हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एल्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम दोस्तों विटामिन्स पढ़ेंगे और परीक्षा की दृष्टि से विटामिन्स होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल साइंस में, और हर एग्जाम में लगभग दो या तीन क्वेश्चन इससे जो है बनता ही है, हमेशा पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इसको जो है पढ़ते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट समय हमारे साथ जो है दीजिएगा वीडियो के साथ, और पूरी विटामिन्स जो है आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आइए हम लोग विटामिन्स पढ़ते हैं। विटामिन्स जो होते हैं बहुत ही जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कार्बनिक यौगिक में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। और यही में अकार्बनिक यौगिक में जल तथा लवण पाया जाता है। तो हम लोग कार्बनिक यौगिक में जो विटामिन्स है उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो विटामिन्स की खोज जो है सबसे पहले 1881 ईस्वी में ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। 1899 ईस्वी में इज्मान नामक वैज्ञानिक बेरीबेरी नामक का विटामिन की खोज किए थे, और इन्होंने जो पॉलिश वाला जो चावल होता है उससे इसको अलग किया था। और यही में एक क्वेश्चन और बनता है कि विटामिन मत या विटामिन थियरी किसने दिया था? विटामिन थियरी या विटामिन मत हॉपकिन और फुंक नामक वैज्ञानिक ने, दोनों लोगों ने मिलकर दिए थे, हॉपकिन और फुंक। और एक क्वेश्चन बनता है कि विटामिन शब्द किसने दिया था? तो विटामिन शब्द 1912 ईस्वी में विटामिन शब्द 1912 में फुंक नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। अब हम लोग आते हैं विटामिन के बारे में। और विटामिन जो है लगभग अब तक जो है कि लगभग 20 विटामिनों की खोज हो चुकी है, और विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबलेस, और वसा में घुलनशील फैट सॉल्युबलेस। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें जल में घुलनशील कि जल में घुलनशील के अंतर्गत कौन सी विटामिनें आती हैं, यह पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि जल में घुलनशील विटामिनों के नाम बताइए। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती है, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई और के होती है। तो अब हम पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए की खोज सबसे पहले मैकमुलन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, जिसे हम रतौंधी नामक रोग होता है। और
और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनाल होता है। रेटिनाल जैसे आंखों से ये संबंधित बीमारी है, तो रेटिनाल से रेटिना जो निकलता है आपका शब्द, तो रेटिना किसमें पाया जाता है? आंखों में। तो ये आंखों की बीमारी है और इसी को रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। और विटामिन ए को जीरो थैलेमिया भी कहते हैं, जीरो थैलेमिया, जीरो थैलेमिया भी कहा जाता है। जीरो थैलेमिया कारण देखेंगे कि आंखों में जो है सफेद सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, आंखों में सफेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम जीरो थैलेमिया कहते हैं। और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जब अंधेरा होता है उस समय रात में आदमी को दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। अब इसका अच्छा स्रोत हम लोग पढ़ लेते हैं कि विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत होते हैं वह है गाजर, पपीता, पका हुआ आम होता है, पका हुआ आम, और कच्चे आम में विटामिन सी पाया जाता है, पके हुए आम और लिवर आयरन में भी यह पाया जाता है। और कभी कभी पूछ देता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो जो गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है, जिसे हम सुनहरा चावल कहते हैं, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, जिसे हम गोल्डन चावल भी कहते हैं। अब दोस्तों आज ये हम लोग विटामिन डी के बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन डी की जो खोज किया था, जिस वैज्ञानिक ने खोज किए थे विटामिन डी की खोज जो वैज्ञानिक किए थे हॉपकिंग नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह कैल्सीफेराल है। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, जिसको हम लोग रिकेट्स बोलते हैं। और इसी की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है, जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। इसका सबसे अच्छा जो स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश होता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत विटामिन डी का सूर्य का प्रकाश होता है। इसे गरीबों के विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, गरीबों की विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए विटामिन ई। अब हम लोग विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वह टेकोफेराल होता है। विटामिन ई की कमी से जननांग प्रजनन के अयोग्य हो जाते हैं। कभी कभी लकवा भी हो जाता है, जिसे पैरा
लाइसिस भी बोलते हैं, इस विटामिन को, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वह गेहूं का अंकुरित जो है बीज होता है। इसका जो सबसे अच्छा स्रोत होता है गेहूं का अंकुरित बीज। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है नेप्थो की, नेप्थो की नोन होता है, नेप्थो की नोन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का, इसकी कमी से रक्त का थक्का शरीर में नहीं बनता है। जिसको विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का जैसे नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कहीं कट गया तो ज्यादा समय तक अगर रक्त का थक्का नहीं बनता है तो शरीर से ज्यादा ज्यादा जो है कि रक्त बह जाएगा। जब ज्यादा रक्त अगर बह जाएगा तो इस अवस्था में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक ना। इसका जो अच्छा स्रोत होता है वह पनीर, हरी सब्जी, अंडा। अब हम लोग पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, तो बी और सी है। तो यहां पे हम लोग पढ़ लेते हैं विटामिन सी को। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक अम्ल होता है। और विटामिन सी की जो खोज की थी, विटामिन सी की खोज होलकट नामक वैज्ञानिक ने, विटामिन सी की खोज होलकट नामक वैज्ञानिक ने किए थे। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम जो होता है एस्कार्बिक, एस्कार्बिक अम्ल होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है, या इसी को पायरिया भी बोलते हैं। इसी कमी से जैसे पायरिया जिसको हो जाता है तो मसूड़ों से खून बहने लगता है और कभी कभी दांत जो झड़ने लगते हैं। और इसका सबसे अच्छा जो स्रोत होता है विटामिन सी का, सबसे स्रोत अच्छा स्रोत जो होता है आंवला होता है, नींबू, नींबू है, हरा मिर्च है। और यही पे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि किस विटामिन को ज्यादा उबालने से नष्ट हो जाती है, तो विटामिन सी जो है इसको ज्यादा हम उबाल देते हैं तो नष्ट हो जाती है। और विटामिन सी जो है कि कटे, जैसे अगर घाव लगा हुआ है या घाव है तो ये भी पूछता है कि कौन सी विटामिन घाव भरने में सहायक होती है, तो घाव भरने में विटामिन सी जो है सहायक होती है। घाव भरने में विटामिन सी सहायक होती है।